नमस्कार साथियों साथियों, मैं पंकज सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जी के भाई पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का जो वीडियो ये रहेगा अपना कि कर्मचारी को प्रथम अधिघोषणा मार्च में करने के बाद में, जैसे ही 2 महीने बाद में या फिर 3 महीने बाद में एसआई डिपार्टमेंट से उनको परमानेंट एसआई नंबर अलॉट हो जाते हैं, तो उन परमानेंट नंबर को किस प्रकार से पर्सनल पे मैनेजर पे अपडेट करते हैं और पर्सनल पे मैनेजर से फिर किस प्रकार से रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने एसएसओ पोर्टल के ऊपर जाएंगे, पर्सनल एसएसओ पे जाएंगे और ये अपना SSO.rajasthan.gov.in पे आप साइन करेंगे। यहाँ लॉगिन आईडी लिखेंगे आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे और कैप्चा डाल के आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे आप, तो आपके सामने ये पर्सनल जो एसएसओ लॉगिन है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ आपको दो तीन चीजें हैं वो देखनी रहेंगी, तो आप उनको साथ साथ ही देख लीजिए आप उनको। तो यहाँ अपने को एसएसओ का जो नंबर है वो आपको एसआईपीए पोर्टल का जो नंबर है वो, हाँ एसआई का नंबर है वो मिल जाएगा। अब आपको ये नंबर कहाँ मिलेगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जैसे ही आप पर्सनल एसएसओ पे यहाँ आप लॉगिन हो जाते हैं एसआईपीए पोर्टल पे, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड, इस पे आप आने के बाद में आप यहाँ देखिए एसआई समरी के नाम से एक टैब है यहाँ पे। तो आप जैसे ही इस एसआई समरी टैब के अंदर नीचे का जो एरो का निशान है, यहाँ आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ इस पे, तो आपके सामने इस प्रकार का ये एसआई पॉलिसी नाम से एक ये सब टैब है, ये ओपन हो जाएगा। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ आपको पॉलिसी नंबर मिलेंगे, करंट प्रीमियम मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा, सम अश्योर्ड मिल जाएगा, बोनस है और सरेंडर वैल्यू है ये आपका। इस प्रकार से ये हो जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है पॉलिसी नंबर। यहाँ आपको इसमें पॉलिसी नंबर है वो अपडेट है वो मिल जाएगा। ध्यान रखें, अगर यहाँ पर पॉलिसी नंबर अपडेट आपको नहीं मिलता है, इट मीन से आपके डीडीओ के एसआईपीए पोर्टल से आपको जाके इसको करना पड़ेगा। अगर वहां नहीं होता है तो आजकल इसका ऑनलाइन प्रोसेस चला हुआ है कि जीपीएफ ऑफिस से वो डायरेक्ट ऑनलाइन ही अलॉटमेंट करते हैं, तो यहाँ आपको नंबर वो मिल जाएगा। डीडीओ पे आप बाद में जाएं, सबसे पहले आप यहाँ आके चेक करें। यहाँ अगर अपडेट है तो आपको डीडीओ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आप इसका मैं प्रोसेस बता देंगे। और अगर यहाँ अपडेट नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरे प्रोसेस है उससे उसको कर लेंगे। तो यहाँ आप इसको चेक कर लेंगे। अब यहाँ भी आप अगर चेक नहीं कर पाते हैं तो आपको एक दूसरा ऑप्शन रहेगा अपने पास में, वो किस प्रकार रहेगा, हम जाएंगे यहाँ देखिए, ये खूब सारे ऑप्शन आते हैं नीचे। प्रोफाइल है, जीपीएफ और एमपीएस है, एसआई का है, जीपीए का है, इसके बाद में कॉन्ट्रास्ट है। इस प्रकार से देखिए यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा माई ट्रांजेक्शन, जो हमारी जो एसएसओ आईडी से जितने भी ट्रांजेक्शन हमने किए हैं वो सारे ट्रांजेक्शन आपको हैं यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ आपने जैसे ही एसआई का जो मार्च के अंदर जो ट्रांजेक्शन किया था उसका एसआई पॉलिसी के लिए किया था, अमाउंट आपका है क्रिएट किया था आपने, जब आपका स्थायीकरण हो गया था वो डेटा जाएगा, तो यहाँ आपको स्टेटस है वो अप्रूव्ड का मिलना चाहिए। यहाँ जब तक यहाँ अप्रूव्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, इट मीन्स है कि एसआई डिपार्टमेंट के पास में अभी तक आपकी पॉलिसी है वो पेंडिंग पड़ी है। यहाँ जैसे ही अप्रूवल हो जाएगा तो ही आपको वो नंबर है वो मिलेंगे। तो आप यहाँ चेक कर लें कि आपका ट्रांजेक्शन अप्रूव्ड है या एलडीसी एसआई के पास है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे ही यहाँ अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर की जगह आपके एसआई नंबर है वो ऑटोमेटिक है वो आ जाएंगे। तीसरा एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको, हम क्या करेंगे कि ये अपना जो एसआई पोर्टल का जो होम पेज है वहां आप जाएंगे, उसके बाद में आप इसे रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा एसआई इंडिविजुअल लेजर, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पास में इंडिविजुअल लेजर है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ एम्प्लॉय आईडी आपकी ऑटोमेटिक शो होगी और आप इसको सबमिट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही देखिए आपके सामने एसआई का जो इंडिविजुअल लेजर है वो डिटेल है वो सारी की सारी आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ आपकी एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, यहाँ नेम आ जाएगा और यहाँ एसआई पॉलिसी नंबर है वो अपडेट हो जाएंगे। लेकिन ये एसआई पॉलिसी नंबर अपडेट तभी होंगे जब आपकी जो पिछले अपने ट्रांजेक्शन के अंदर देखा था वहां जो अगर अप्रूव्ड है तो ही ये शो होंगे। अगर वहां अप्रूव्ड नहीं होगा तो आपको ये एसआई नंबर यहाँ नहीं मिलेंगे। और यहाँ देखेंगे आप ट्रांजेक्शन में इंडिविजुअल लेजर में फाइनेंशियल ईयर देखेंगे,
अप्रैल मई जून का आप देखेंगे, क्योंकि जून में आपने जो भी किया था, आपने एरियर वगैरह बनाया होगा, उसमें से आ गया। जिस प्रकार से जुलाई और अगस्त का, जिस प्रकार से ये जमा होते चले गए हैं, इस प्रकार से वो फिर यहाँ टोटल अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। अगर यहाँ भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई मिस्टेक अगर लगती है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन है वो अपडेट है वो कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में भी आपको बताएं किस प्रकार से अपडेट है आपकी, पूरे जो लैप्स हुई, जो कटौतियां हैं उनको कैसे अपडेट किया जाता है, यहाँ से आप उनको अपडेट है वो कर सकते हैं। तो तीन तरीके मैंने आपको बताए हैं इसको चेक करने के। आप तीनों तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका ऐसा पॉलिसी नंबर है वो आया है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन में जाके, आप यहाँ आपको ये देखना है माई ट्रांजेक्शन में जाके कि यहाँ स्टेटस है वो आपका अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर अप्रूव्ड है तो आप आगे से इस प्रकार से आपका हो जाएगा, अन्यथा आप एस आई ऑफिस में जो पर्सनली जाके, वहां से रजिस्टर होता है, वहां से आप एस आई नंबर है वहां अपने नोट डाउन है वो करके ले आइए, और उसके बाद में हम इसको अपने डीडीओ पे है वो अपडेट करना आपको बताते हैं। तो चलते हैं अपन डीडीओ पे। साथियों, अब हम डीडीओ लॉगिन पे काम करने वाले हैं। तो डीडीओ का, एसएसओ का जो पोर्टल है उस पे हम करेंगे अभी। तो यहाँ आप क्या करेंगे, अपने डीडीओ साहिबान की एसएसओ आईडी और उसको पासवर्ड लगा के आप यहाँ कैप्चा करके यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में देखिए, ये इस प्रकार के सारे जो टैब हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। अगर यहाँ अगर आपको ये एसआईपीएफ अगर आपने लॉगिन किए हुए हैं तो ये आपको लॉगिन में दिखा देगा। अगर यहाँ आपको नहीं मिलता है तो अदर एक्टिव एप्स में जाके, यहाँ आप जाके बाकी सारे ऐप है यहाँ आपको शो कर देगा। तो वहां से आप क्विक सर्च में जाके यहाँ से एसआईपीएफ को आप वो सर्च वो कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपने पिछले काफी दिनों में अगर आपने यहाँ सर्च किया होगा तो एसआईपीएफ जो जो आपने टैब काम में लिए होंगे, जैसे स्कॉलरशिप का है, ईमेल रिक्वेस्ट का है, राजकाज है, राजमेल है, आपने काम में लिए होंगे तो यहाँ आपकी ये हिस्ट्री में आ जाते हैं। यहाँ तो ये रिसेंट एप्स हैं, उन्होंने आपको तो अगर पहले काम में लिया तो उसमें आपको दिखा देगा ये। तो हम यहाँ एसआईपीएफ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एसआईपीएफ पे क्लिक करते हैं तो तुरंत ये एसआईपीएफ के एम्प्लॉय लॉगिन पे आप वो पहुंच जाते हैं। ध्यान रखें, ये डीडीओ नहीं है, ये आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं, डीडीओ साहिबान, उनका पर्सनल लॉगिन है ये। यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में आपको डीडीओ पे जाना पड़ेगा। तो डीडीओ पे जाने के लिए आप क्या करेंगे, कस्टमर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो ये दो सब मेन्यू खुलेंगे, एक तो कस्टमर जो आपका डीडीओ साहिबान उनका पर्सनल पे हो गया, और दूसरा वो एज ए डीडीओ काम करेंगे। तो आपको डीडीओ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डीडीओ पे क्लिक करेंगे तुरंत आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट की साइट पे आप है वो पहुंच जाते हैं। यहाँ आप एज ए डीडीओ काम कर रहे हैं। तो डीडीओ पे काम करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें रहेगा कि एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट्स हैं ये दो सब मेनू आपके सामने ओपन होंगे। उसके बाद में आप फिर से ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे आप, उसके बाद में और ये सब मेन्यू है आपके सामने ओपन होंगे, जैसे बैंक डिटेल है, एम्प्लॉय है। तो हमें जो इस मेन्यू पे काम करना है वो एम्प्लॉय का रहेगा। जैसे ही आप एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तुरंत आपको ये एम्प्लॉय के पोर्टल पे है ये लेके चला जाएगा। तो यहाँ एम्प्लॉय नाम आ जाएगा और यहाँ एक सर्च बॉक्स आएगा और एक प्लस का निशान आएगा, आपको इस सर्च बॉक्स पे टिक करना है। जैसे ही आप सर्च बॉक्स पे टिक करेंगे तो ये सर्च फॉर और विद ये दो टैब हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ जैसे ही आप सर्च फॉर में क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय के नाम से सर्च कर सकते हैं, उसकी आईडी से सर्च कर सकते हैं। तो आपको नाम ज्यादा बेटर रहेगा नाम से सर्च करने के लिए। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ आपको एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। तो एम्प्लॉय नेम में जाके आप विद इस यहाँ जाके लिखेंगे, दो या चार डिजिट आप एम्प्लॉय का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप इसको सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तुरंत एक सब टाइप है वो ओपन हो जाएगा। एक जैसे नेम का नाम अगर दो व्यक्ति हैं तो दोनों के नाम शो हो जाएंगे। आपको उसको टैली करना रहेगा तो आप एम्प्लॉय आईडी से टैली कर लेना उनको, एम्प्लॉय नेम से कर लेना, या फिर डेट ऑफ बर्थ से कर सकते हो। फादर और हस्बैंड के नेम से भी आप इसको सर्च वो कर सकते हैं। और अगर एक ही कार्मिक है तो आप यहाँ सिंगल मेन्यू में ये सिंगल पट्टी में आ जाएगा। उसके बाद में आप एम्प्लॉय आईडी पे यहाँ जाके कर्सर को और आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये कार्मिक का ये डेटा है ये ओपन हो जाएगा। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर ले नीचे, देखिए ये ऊपर की साइड में आएगा। ये जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ मैरिज, इस प्रकार से, और नीचे जो अपने काम का जो मेन्यू रहेगा
वो रहेगा कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, सर्विस डिटेल चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। हमें जो काम रहेगा हमारा, जो SI नंबर अपडेट का जो काम रहेगा वो रहेगा स्कीम डिटेल्स में। आप स्कीम डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये स्कीम्स के बारे में जो है ये ओपन हो जाएगा, जहाँ अगर GPF अकाउंट नंबर आ जाएगा, अगर आप 2004 से पहले के कर्मचारी हैं तो यहाँ GPF अकाउंट नंबर आ जाएगा, SI डिटेल्स यहाँ, अगर वहाँ GPF ऑफिस से ऑटोमेटिक हो गया तो आप वहां से सर्च कर सकते हैं, और अगर अन्यथा अगर आप वहाँ जाके आप पर्सनली वहाँ रजिस्टर से नोट डाउन करके लाए हैं तो आप SI पॉलिसी नंबर यहाँ ब्लैंक मिलेगा आपको, इस पे आप क्लिक करके यहाँ आप उसको SI पॉलिसी नंबर लिख देंगे। डेट ऑफ फर्स्ट डिडक्शन, जिस टाइम पे आपने इसको फर्स्ट डिक्लेरेशन किया था वो आ जाएगा यहाँ, फर्स्ट डिडक्शन आ जाएगा। और एक्टिवेशन का डेट है ये 1/4 से आता है, ये आप जिस भी वित्तीय वर्ष के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका 1/4, 1 अप्रैल को आपका फिर स्थायीकरण अगर 1 अप्रैल से पहले हो चुका है तो ये आप कर सकते हैं, अन्यथा अगर 1 अप्रैल के बाद में अगर आपका स्थायीकरण होता है तो आप अगले वित्तीय वर्ष के अंदर आप इसको कर सकते हैं, जब जब तक आपको इंतजार करना रहता है। तो 1 अप्रैल से पहले अगर आपका स्थायीकरण हो चुका है तभी यहाँ 1 अप्रैल का डेट है वो डाला जाएगा। और यहाँ GPF फाइल की लोकेशन है ये आपका जिला हेडक्वार्टर भर दीजिए, SI फाइल लोकेशन है ये भी जिला हेडक्वार्टर का, आप इसमें करके इसको आप ये सबमिट करेंगे। ध्यान रखें यहाँ सबमिट होने के बाद में ये अपडेट हो जाएगा, उसके बाद में जो अगला काम रहेगा वो अपना अपने पर्सनल पे मैनेजर का रहेगा, तो हम वहां चलते हैं और पर्सनल पे मैनेजर पे इसको चेक करते हैं कि यहाँ से अपडेट हो चुका है कि नहीं अपडेट हुआ है, सबमिट कर देंगे। आप सबमिट करते ही अपना काम यहाँ से समाप्त होता है। अब अपन चलते हैं एम्प्लॉई पर्सनल पे मैनेजर। साथियों अब हम काम करने वाले हैं पर्सनल पे मैनेजर पे, एम्प्लॉय लॉगिन पे अपन काम करेंगे ना कि DDO लॉगिन पे। तो एम्प्लॉय लॉगिन पे काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और उसके बाद में पासवर्ड लगा के यहाँ कैप्चा लगा के यहाँ नीचे हम एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे ना कि DDO, क्योंकि एज ए एम्प्लॉय अपन काम करने वाले हैं। तो यहाँ एम्प्लॉय सेलेक्ट करके अपन लॉग इन करेंगे। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे यहाँ एक टैब है, इस टैब पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको एम्प्लॉय कॉर्नर मिलेगा, इस एम्प्लॉय कॉर्नर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सब मेन्यू खोलेंगे, और यहाँ आपको मास्टर डेटा रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है यहाँ आप जैसे ही माउस लेके आएंगे आगे सब टैब और खुलेंगे ये। तो इन सब टैब में आपको अपडेट नंबर डिटेल रिक्वेस्ट, अपडेट नंबर डिटेल रिक्वेस्ट है ये आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे ही आप इसको नंबर डिटेल को आप सिलेक्ट करेंगे तुरंत आपको ये इस पोर्टल पे आपको लेके चला जाएगा। तो अपडेट नंबर अदर, यहाँ देखिए आपका अगर GPF नंबर अगर आपका कोई है 2004 के पहले का है तो यहाँ नंबर आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएंगे, आधार नंबर आ जाएंगे, CPF नंबर आ जाएंगे, प्राण नंबर आ जाएंगे, यहाँ सारे के सारे आ जाएंगे। आपको यहाँ सिर्फ एडिट करना रहेगा। जैसे ही आप एडिट करेंगे यहाँ आपको वो ऑटो फैच होके आपके जो SI पॉलिसी नंबर यहाँ जो डाल रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप एडिट करेंगे, एडिट करने के बाद में देखिए यहाँ आपके कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका पे मैनेजर पे अपडेट किया हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पे, और उस पे आप क्या करेंगे उसके बाद में आप इसको जनरेट OTP करेंगे। तो जैसे ही OTP करेंगे यहाँ 2 मिनट माइनस का काउंट डाउन चालू हो जाएगा, तो आपके पास में OTP आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आप OTP लगाएंगे। और यहाँ आपको एक फाइल है वो PDF सिलेक्ट करना रहेगा। PDF का फाइल लगाने के लिए आपको आपकी संस्था प्रधान के लेटर पैड पे आप लिख सकते हैं कि कार्मिक का जो SI नंबर है ये अलॉट हो चुका है, इस प्रकार से पर्सनल लेटर पैड भी बना के आप इसके साथ में आप वो अटैच वो कर सकते हैं। तो उसका आप PDF बना लेंगे, लेटर पैड पे नॉर्मली आप लैंग्वेज लिख लेंगे कि ये फला कार्मिक था जो इनका प्रथम अधिघोषणा का इतने तारीख को किया गया था, और यहाँ से SI डिपार्टमेंट से अप्रूवल होने के बाद में इनको ये नंबर है ये अलॉट हुए हैं, तो कृपया इनको पे मैनेजर पे अपडेट करने की अनुमति प्रदान करें। इस प्रकार का एक आप लेख लिख के DDO साहिबान के साइन वगैरह करवा के आप यहाँ इसका PDF बना के आपको इसमें अब चूज फाइल में जाके अपलोड है वो करना रहेगा, और उसके बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही क्या होगा कि यहाँ से ऑटोमेटिक ये DDO पे जाके रिक्वेस्ट है ये चला जाएगा और DDO पेंडिंग है वो आपको बता देगा। अब हम पहुंचे हैं DDO लॉगिन पे, आप वो वहां से जैसे पर्सनल लॉगिन पे वो पेंडिंग टू DDO दिखा देगा, तो वहां आप तुरंत है अपने DDO साहिबान को से आप इन्फॉर्म करेंगे और उनको बताएंगे कि हमने रिक्वेस्ट है वो बना दिया है, या फिर आप खुद काम करते हैं तो तुरंत वहां से पर्सनल लॉगिन से लॉग आउट होने के बाद में आप DDO लॉगिन पे आप पहुंच जाएंगे।
और यहाँ DDO लॉगिन पे पहुंचने के बाद में ऑथराइजेशन मेन्यू है, यहाँ देखिए एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन। ये ऑथराइजेशन मेन्यू पहला मास्टर होता है, सेकंड बिल प्रोसेसिंग, तीसरा ऑथराइजेशन। तो वहां आपको एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल। ये ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ जो आपकी जहाँ पेंडिंग रिक्वेस्ट है सारी की सारी आपको यहाँ शो हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप एक्शन में जाएंगे और यहाँ व्यू करेंगे। तो व्यू करेंगे, व्यू करते जाके सब बॉक्स और ओपन होगा, उसमें आपको कंपैरिजन करेगा दोनों डाटा को कि पहले जो आपने SI नंबर 1 2 3 4 लिखा था वो दिखा देगा या फिर 0 0 किया था वो दिखा देगा, और उसके बाद में अपडेट किए हुए नंबर हैं आपको वो सब कर देगा। दोनों में अगर आपका SI नंबर अपडेट बिल्कुल सही है तो आप तुरंत इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में इसको अप्रूवल दे देंगे। जैसे ही आप अप्रूवल देंगे तो ये DDO के पास है, ये पेंडिंग टू HOD के पास है, ये अप्रूवल के लिए पहुंच जाएगा, और वहां से आपको 2 या 3 दिन के अंदर जैसे ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो आप DDO पे जाके वहां आपको जो एम्प्लॉय नंबर है वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, वहां आपको ये नंबर है वो अपडेट है वो मिल जाएंगे। जब तक यहाँ से ये DDO रिक्वेस्ट HOD के पास पेंडिंग रहेगा तब तक आपको बिल्कुल अपडेट नहीं होंगे। ये जैसे ये रिक्वेस्ट है ये HOD से अप्रूवल हो जाएगी, आपको तुरंत ये नंबर है ये आपके मास्टर डेटा के अंदर है वो अपडेट हो जाएंगे। इस प्रकार हमने SI पोर्टल से लेके पर्सनल पे मैनेजर तक SI नंबर अपडेट करने की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में जाना। अगर इसके बाद में भी अगर आपको किसी प्रकार को कंफ्यूज रहता है तो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बारे में भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।